तमाम मौजूद अराकीन अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें ताकि नतीजा का ऐलान किया जा सके। वोटों की गिनती कर ली। ऑर्डर प्लीज, ये गैलरीज में खामोशी इख्तियार करें, अदरवाइज आई विल आस्क द स्टाफ के वो आपको इविक्ट कर दें। आप सब लोग अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएंगे प्लीज। वोटों की गिनती कर ली गई है। इसके मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। ऑर्डर प्लीज। लिहाजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सूबाई असेंबली पंजाब, ऑर्डर प्लीज। आप लिहाजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असेंबली पंजाब 1997 के रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असेंबली PP 159 को बहसीयत वजीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। वोटों की गिनती कर ली गई है। इसके मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। ऑर्डर प्लीज। लिहाजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असेंबली पंजाब, ऑर्डर प्लीज। आप लिहाजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असेंबली पंजाब 1997 के रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असेंबली PP 159 को बहसीयत वजीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। आपको अहम खबर देंगे। मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला मुंतखब हो गई हैं। मरियम नवाज ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उम्मीदवार राणा आफताब को शिकस्त दे दी है। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वजीर आला बन गई हैं। आपको बताएं कि मरियम नवाज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उम्मीदवार राणा आफताब को शिकस्त दे दी है। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वजीरे आला बन गई हैं। इसी पर बात करेंगे। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, मरियम नवाज वजीरे आला पंजाब। बिल्कुल जी, चुके तालिबान के चुनाव के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल किया जा चुका है और सेक्रेटरी असेंबली ने गिनती का अमल अभी तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। आपको चाहिए कि अभी अभी जो नतज है उनको बिल्कुल वाजे इस हवाले से कि मरियम नवाज थी चुके मुस्लिम लीग रूल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और ICC की मुस्तका उम्मीदवार की भारी तहत से जब वो तालिबान मुंतखब हो गई है। अपने कहें कि अभी इस हवाले से जो नंबर गेम है वो नंबर गेम की अगर आपसे बात की जाए तो नंबर गेम के मुताबिक हाउस में मौजूद जो नंबर थे उनकी तादाद जो वो कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम लीग रूल के 194 अरकान असम्बली ने वोट दिया जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 10 अरकान ने भी मरियम नवाज शरीफ को वोट किया जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 14 अरकान ने भी मुस्लिम लीग रूल की उम्मीदवार जो है वो
जो वोट दिया है। इसी तरह से सुनी तहत कौनसिल के चुके 104 वोट थे, लेकिन भाई कौन के भाई राणा अफ्तार अहमद खान को जो है वो कोई जो वो इस हवाले से उनको चूंकि बाइकआउट किया और इस इंतखाबी अमल का हिस्सा ही नहीं बने, तो यूं 104 जो मेंबर थे वो असेंबली से बाहर रहे हैं। अब फिर कहें कि इस हवाले से अब से चंद रमे बाद जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली रिजल्ट भी अनाउंस कर देंगे। काम फिलहाल बिल्कुल वाजह है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो हरी सैयद से काबिले अमान मुंतखब हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल शाद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।